आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, डॉग बाइट के मामलों में पीड़ितों के लिए बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज पीठ का फैसला, कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के बदले दें 10,000 रुपए, 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपए का मुआवजा। जिन्हें खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। लगातार हो रहे इन जानलेवा हमलों की वजह से पिछले सालों में कुछ लोगों की मौतें भी हो गई। अब केंद्र सरकार ने कुछ खतरनाक और आक्रामक कुत्तों की नस्लों पर बैन लगाने के लिए राज्यों से जो है वो सुझाव मांगे हैं, थोड़ी चिट्ठी लिखी है। पशुपालन और डेयरी विभाग की चिट्ठी राज्यों को लिखी गई है, जिसमें स्थानीय निकायों से लाइसेंस या परमिट न जारी करने की सलाह दी गई है। बिक्री प्रजनन के लिए लाइसेंस या परमिट न देने की सलाह दी गई है। प्रजनन पर रोक लगाने के लिए ऐसे कुत्तों की नसबंदी की बात भी इसमें कही गई है। एक्सपर्ट्स पशु जो कल्याण निकाय कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है ये सलाह दी गई है, खतरनाक कुत्तों के आयात पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन से, अगर आप घर में अगर आप कुत्ता प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी विदेशी कुत्तों की नस्लें हैं जिन्हें खतरनाक माना गया है। इसकी जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, हम आपको कुछ नाम जरूर बता देते हैं। पिटबुल, जिसको लेकर कई बार ये बात सामने देखी गई कि उसने हमला कर दिया लोगों के ऊपर, रॉटवाइलर, चोसा इनू, फिला ब्रासिलियो, अमेरिकन बुलडॉग, बोस बॉयल शेपर्ड डॉग, और साथ ही उसकी कई किस्में जो है उसको भी इस श्रेणी में रखा गया। मॉस्को गार्ड, केन कोरोसा, टेरियर्स, रोडेशियन।